what should be the object position such that the final image is at object. क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूँ. देखो ये तो हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और यहाँ पर ये एक स्लैब है जो बिल्कुल मिरर के पास में रखा हुआ है, जिसकी थिकनेस है 3 सेंटीमीटर और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और फोकल लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर. अब वो ये पूछ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मैं कितने डिस्टेंस पे रखूं कि फाइनल इमेज यहीं बने. तो ये मेंस लेवल का सवाल है और मैंने किताब के जो एग्जांपल्स हैं उनमें भी ऐसा बनाया हुआ है. सबसे पहले क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि फाइनल इमेज वापस यहीं बने. तो थोड़ा समझाता हूँ. देखो पहले तो रेज जा रही हैं, ये इंसिडेंट रेज हैं. तो इंसिडेंट रेज जो हैं मिरर पे पहुंचने से पहले किससे पास होंगी बोलो, स्लैब से. तो ये कुछ आगे मिरर को लगेगा, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है बिकॉज हमने सीखा था कि अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है और बीच में एक स्लैब आता है तो वो अपीयर हो जाता है शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो कितना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट आगे नजर होकर आएगा. थिकनेस इज हाउ मच, 3. ये सॉल्व करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर, मतलब ये शिफ्ट ऑब्जेक्ट जो है शिफ्ट होने के बाद मिरर को लगेगा कि रेज यहां से आ रही है. अब मिरर वापस इसकी क्या बनाएगा, इमेज, ठीक है. और जब इमेज वापस बनेगी तो रेज रिफ्लेक्ट होंगी और फिर बीच में क्या आ जाएगा, एक स्लैब. तो क्वेश्चन ये है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखूं कि मेरी फाइनल इमेज यहीं बने. तो लॉजिक इसका ये होता है कि शिफ्ट होने के बाद ये अपीयर हो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. समझाता हूँ क्यों. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लगना चाहिए आता हुआ ये पॉइंट ओ डैश. क्यों, देखो मिरर को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. तो अगर मिरर ये चीज़ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो मिरर वापस रेज को कन्वर्ज करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनाएगा. बट बीच में वापस क्या आ गया, एक स्लैब, तो उसको 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर देगा और इमेज वहीं बनेगी जहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि फाइनल इमेज वहीं बने, तो हमें ये पता होना चाहिए कि शिफ्ट होने पर, पहले शिफ्ट पर जो चीज़ ये जो अपीयर हो ये मेरे मिरर के कहाँ पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो अब मुझे बताओ आंसर कितना होना चाहिए. तो मिरर से ऑब्जेक्ट शुड बी एट 41 सेंटीमीटर.